तो दोस्तों, आप पिछले वीडियो में द स्लीपिंग पॉटर पोएम के बारे में पढ़े थे, जो लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के द्वारा रचित था। दोस्तों, हम लोगों ने लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के बारे में भी अध्ययन किया है। उनके द्वारा जो रचित द स्लीपिंग पॉटर कविता है, उसे भी मैं पार्ट वन और पार्ट टू के माध्यम से देखा है। और आज बारी है क्वेश्चन आंसर का, तो शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस इनमें निहित है। उस कविता के आधार पर कौन कौन सा क्वेश्चंस जो है आपके बुक में दिया हुआ है, उसी का आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं हम लोग, देखते हैं बी वन का पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ मच लोड डज द पॉटर हैव ऑन हीज बैक। अर्थात पॉटर जो है, पॉटर के बैक पर अर्थात पीठ पर कितने वजन है, कितना वजन है दोस्तों। तो इसका आंसर जो है, पहला पोम का पहला लाइन में इसका आंसर है, 25 किलो लोड ऑन हिज बैक। अर्थात उसके जो पीठ पर कितना वजन था, 25 किलो। तो आंसर के रूप में कहा जा सकता है, द पॉटर हैज अ 25 किलो लोड ऑन हिज बैक। अर्थात द पॉटर हैज ए 25 किलो लोड ऑन हिज बैक। अर्थात उसके बैक पर 25 किलो लोड वजन था। अब दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। व्हाट डिस्टेंस डज द पॉटर कवर इन द स्नोज ऑफ विंटर। अब देखिए, क्वेश्चन है कि पॉटर जो है वह विंटर यानी शीत ऋतु या जाड़े की ऋतु, जिसमें स्नो फॉलिंग हो रहा है, उस दरमियान कितना डिस्टेंस वह अपने पीठ पर 25 किलो लोड ले करके गया। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं लाइन नंबर 3, ए 6 माइल क्लाइम अप इन द स्नोज ऑफ विंटर। तो 6 मील जो है वह दूरी तय किया। अर्थात आंसर के रूप में लिख सकते हैं, द पॉटर कवर्स ए 6 माइल क्लाइम अप इन द स्नोज ऑफ विंटर। अब देखिए, पॉटर जो है वह कवर करता है 6 मील ऊंचाई पर चढ़ता है विंटर के स्नो में। अब देखिए, तीसरा क्वेश्चन है आपका, हु इज चैलेंजिंग द माउंटेन। अर्थात माउंटेन को कौन चैलेंज कर रहा है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 6 लाइन में, ही कहने का मतलब है द पॉटर। पॉटर जो है चैलेंजिंग कर रहा है किसको, माउंटेन को। क्यों, इसके पीछे रीजन बताए थे कविता में। तो आंसर के रूप में कहा जा सकता है, द पॉटर विथ
विथ ए सिक्स माइल क्लाइंब अप इन द स्नोज ऑफ विंटर और विथ नेक्ट बोन्स एंड ए 25 किलो लोड ऑन हीज बैक इज चैलेंजिंग द माउंटेन अर्थात पॉटर जिसे विंटर के स्नो में 6 मील जो है ऊपर चढ़ना है, जो नेक्ट बोन्स है जिसके पीठ पर 25 किलो लोड है, वह माउंटेन को चैलेंज कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट टाइप ऑफ कैप इज ही वियरिंग किस टाइप का वह कैप पहना हुआ है, टोपी पहना हुआ है। तो आपका लाइन है दूसरा श्रद्धा के प्रथम लाइन, ही इज वेयरिंग ए ब्लैक कैप, यानी ही इज वेयरिंग ए ब्लैक कैप। और ब्लैक कैप कैसा है, तो स्वीट स्टैंड है, चिट्ठीदार है, स्वीट स्टैंड। अब पांचवा क्वेश्चन है आपका, व्हाट टाइप ऑफ स्मेल डज द पॉटर इमिट, किस तरह का गंध जो है उसके शरीर से निकलता है। तो यहाँ पर देखिए लाइन पर, ये सेकंड स्टंजा के पांचवें लाइन को देखिए, अल्दाह इट इमिट्स ए सल्फर लाइक शावर स्मेल, उसके शरीर से जो है गंध जैसा जो है शावर स्मेल जो है निकल रहा है। तो यहाँ पर कहा जा सकता है आंसर के रूप में कि ही इमिट्स ए सल्फर लाइक सावर स्मेल। ये आपका था बी वन का क्वेश्चन था। इनमें 5 क्वेश्चंस निहित थे, 5 क्वेश्चंस का आंसर हम देख चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं बी टू का वन नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज देयर ऑन द क्लिफ, क्लिफ पर क्या था, यानी पहाड़ के जो चोटी था उस पर क्या था। तो वहाँ पर उस कुली का एक हट था, एक झोपड़ी था। तो हम कह सकते हैं आंसर के रूप में There is a hut। इसका आंसर देखिए पेज नंबर 130 का प्रथम जो लाइन है, ए हट ऑन द क्लिफ, उसी में आंसर है There is a hut on the cliff, जो कि क्या है, ऑफ स्नो क्लैड माउंटेन, अर्थात जो क्लिफ है उसके जो माउंटेन है वह क्या है, स्नो क्लैड है, अर्थात बर्फ से ढका हुआ है। दूसरा जो है क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द मदर सर्चिंग
वह क्या उसकी माँ यानी वो जो बेटा था उसकी माँ क्या खोजने के लिए बाहर निकली हुई थी, अर्थात माँ कहने का मतलब कुली की पत्नी किस लिए वो बाहर निकली थी। तो आंसर के रूप में आपको लिखा हुआ है द मदर सर्चिंग फॉर नेटल्स एंड वाइन्स। तो द मदर इज सर्चिंग फॉर नेटल्स एंड वाइन्स, अंगूर की लताएं और कटीले झाड़ियों के खोज में वो निकली हुई थी क्योंकि वह वाइन से जो वूज ऑफ हंगर था उसे मिटाती अपने बेटे का, और अपने बेटे का जो भोजन का जो प्रबंध या लकड़ी का जो प्रबंध करने के लिए जो ईंधन का प्रयोग किया जाता उसके लिए नेटल्स वह सर्च करने के लिए गई थी। और वाइन्स यूं भी कहा जा सकता है भोज्य पदार्थ के रूप में जो है उसको खोजने के लिए निकली हुई थी। अब तीसरा क्वेश्चन आई, हु इज द हीरो ऑफ द माउंटेन, हु इज द हीरो ऑफ द माउंटेन, माउंटेन का हीरो कौन था। तो एब्सोल्युटली द पॉटर, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है बीनीथ दिस हीरो ऑफ द माउंटेन, दिस हीरो ऑफ द माउंटेन द प्राउड कंकर ऑफ नेचर। तो यहाँ कहा गया है द पॉटर, पॉटर के बारे में कहा गया है द पॉटर हु इज ए विक्टर ऑफ नेचर, द पॉटर हु इज द विक्टर ऑफ नेचर इज द हीरो ऑफ द माउंटेन, यानी वो पॉटर जो कि प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लिया था को माउंटेन का हीरो कवि दुर्गा लक्ष्मी प्रसाद पांडा ने बताया है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज मिंट बाय लीड ऑफ नाइट, व्हाट इज मिंट बाय ए लीड ऑफ नाइट, लीड ऑफ नाइट का मतलब इस कविता में क्या है। तो लीड ऑफ नाइट का मतलब स्काई में जो स्टार स्टडेड जो आवरण था उसी के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पर आंसर के रूप में कहा जा सकता है कि द स्काई इज द स्टार स्टडेड लीड ऑफ नाइट। चलिए अब पांचवा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, हु इज रेनिंग ओवर, हु इज रेनिंग ओवर द रिच किंगडम, द रिच किंगडम ऑफ स्लीप, यानी निद्रा के समृद्धशाली साम्राज्य में कौन शासन कर रहा था। तो वो कर रहा था, लास्ट लाइन आप पढ़ लीजिए, वो कर रहा था पॉटर, यानी द पॉटर हु इज इन डीप सलंबर यानी स्लीप इज रनिंग ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप। तो ये था आपका B2 का 5 क्वेश्चंस और सभी का आंसर हम देखे हैं। ये आपका आज खत्म होता है द स्लीपिंग पॉटर लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के द्वारा रचित कविता। दोस्तों आप जब भी मेरे वीडियो को या वीडियो के माध्यम से पढ़ने के लिए बैठेंगे तो सभी सामग्रियां जो अध्ययन का है वह लेकर के बैठें और आप वीडियो को देखें, ज़रूरत पड़े तो पॉज करें, पॉज करने के बाद जो है आप सारी चीज़ को आप लिख लें, लिखने के बाद जो है अपना प्रिपरेशन जो है चैप्टर का स्वयं अच्छे तौर तरीके से कर लें।
They would not have killed you to get your rings and precious stones that